हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संयम जीवन के अनुमोदनार्थ वर्षीदान के वर घोड़े में उमड़े थारवासी जीवन जीना और उसे समझाना अलग बात होती है। गचाधिपति मणि प्रभु सुरेश्वर जी विशाल व भव्य वर घोड़ा हुआ आयोजित, हजारों जैन धर्मावलंबी हुए शामिल। बुधवार को रवीना बोथरा करेगी दीक्षा ग्रहण, बनेगी जैन साध्वी। मोक्ष का सीधा रास्ता है संयम। आचार्य मनोज्ञ सुरेश्वर जी दीक्षार्थी रवीना बोथरा का हुआ अंतिम वायणा व विदाई समारोह का कार्यक्रम। धर्मनगरी बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना में परम पूज्य आचार्य श्री जिन मणि प्रभु सुरेश्वर जी व वसी माननी रत्न शिरोमणि ब्रह्मासर तीर्थ द्वारक आचार्य श्री जिन मनोज्ञ सुरेश्वर जी मनसा की पावन निशा संयम प्रेरिका माता जी मनसा रत्नमाला श्री मनसा व बहन मनसा डॉक्टर विद्युत प्रभा श्री जी मनसा साध्वी अति गुणा श्री जी साध्वी प्रिय रंजना श्री जी आदि थाना साध्वी साधि वृद्ध के पावन सानिध्य में मेवाराम सुरेश कुमार बोथरा द्वारा व सकल जैन श्री संघ धोरी मन्ना व श्री बाड़ में जी कुशल सूरी दादावाड़ी ट्रस्ट मंडल धोरी मन्ना के तत्वावधान में धोरी मन्ना के मुमुक्ष रवीना बोथरा के त्रिदिवसीय दीक्षा महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को मुमुक्ष रवीना बोथरा की दीक्षा का वर्षीदान का वरघोड़ा निकाला गया। इस वरघोड़े में देश भर के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। वरघोड़े में मुमुक्ष रवीना बोथरा के साथ साथ भगवान जी का भी रथ वर्षीदान के वरघोड़े में साथ रहा। दीक्षा महोत्सव समिति के लूनकरण बोथरा ने बताया कि मुमुक्ष रवीना बोथरा का 5 किलोमीटर लंबा विशाल एवं भव्य वरघोड़ा स्थानीय मुमुक्ष के निवास स्थान से प्रारंभ हुआ। वरघोड़ा स्थानीय मुमुक्ष के निवास स्थान से प्रारंभ हुआ। वरघोड़ा परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जिनमणि प्रभु सुरेश्वर जी महाराज व आचार्य श्री जिन मनोज्ञ सुरेश्वर महाराज की निशा एवं 20 से अधिक साधु साध्वी मंडल के पावन सानिध्य के साथ प्रारंभ हुआ, जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ दीक्षा स्थल मणि प्रमोद वाटिका पहुंचा, जहां संगीत सम्राट नरेंद्र भाई वाणी गोता द्वारा सुरमय गुरु वंदन और पूज्य खरतर गच्छाधिपति के मुखार विंद के मांगलिक के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद में जिनवाणी का श्रवण करवाते हुए पूज्य खरतर गच्छाधिपति ने फरमाया कि जीवन जीना और उसे समझाना अलग बात होती है। जीवन जीने वाला अष्ट कर्मों का बंधन करता है और जीवन को समझ कर अपने जीवन के मोक्ष मार्ग को समझाने वाला भव्य जीव देव गुरु धर्म को समझाता है, गुरु धर्म को समझता है और संयम पथ की ओर अग्रसित होता है। धोरी मन्ना की धरती पर इतिहास में पहली बार ऐसा स्वर्णीय सूर्योदय हुआ है, जिसमें मुमुक्ष रत्ना रवीना बोथरा संयम पर आगे बढ़कर संघ समाज परिवार की शान बनेगी। ये रहे वरघोड़े के आकर्षण। वरघोड़े की अग्रणी पंक्ति में रंगोली, फूलों की तोप, जैन ध्वज वाले युवक, कच्ची घोड़ी नृत्य, घोड़े, ऊंट, हाथी, भोमा भूमि, खनकवाड़ी ढोल पार्टी, चार सज्जे धज्जे रथ, गैर नृत्य, छत्री मंडल नृत्य, वर्षीदान की जीपे, शहनाई, परमात्मा का रथ, बैंड पार्टी, साधु साध्वी भगवंत, ढोल पार्टी, कलशधारी, दीक्षार्था का रथ, सैकड़ों महिलाएं सहित हजारों की संख्या में जैन समुदाय के महिला पुरुष उपस्थित रहे। वरघोड़े का जगह जगह पर भव्य स्वागत पुष्प वर्षा के साथ हुआ। दीक्षार्थी के निवास स्थान से प्रारंभ हुआ दीक्षार्थी बहन रवीना बोथरा का वरघोड़ा कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ दीक्षा मंडप मणि प्रमोद वाटिका पहुंचा, जहां प्रवेश द्वार पर भव्य वरघोड़े एवं अपान जैन मंदिनी का मांगलिक रंगोली बनाकर स्वागत किया गया। वरघोड़े में दीक्षार्थी जगह जगह वर्षीदान में पूरे कस्बे में संस्कार को त्यागते हुए कई प्रकार के वस्तुएं लुटा रही थी। वहीं लोगों में लेने की होड़ मची हुई थी। वहीं वरघोड़े में शोभा यात्रा को सकल जैन श्री संघ धोरी मन्ना, श्री बाड़ में जिन कुशल सूरी दादावाड़ी संस्थान, केयूब केंद्रीय समिति, केयूब धोरी मन्ना, बाड़मेर केएमपी धोरी मन्ना व बाड़मेर सहित कई कार्यकर्ताओं ने अपनी विशेष सेवाएं देते हुए वरघोड़े को ऐतिहासिक बनाया। दीक्षा महोत्सव के दूसरे दिन ये हुए कार्यक्रम आयोजित। वर्षीदान के वरघोड़े के बाद दोपहर का स्वामी वास्तलय का आयोजन जेठमल मेवाराम मूलचंदोनी बोथरा परिवार अरणियाले वालों द्वारा किया गया। सकल संघ की महिलाएं द्वारा बड़ी सांझी, अंतिम वायणा व रात्रि में भव्य भक्ति संध्या एवं दीक्षार्थी बहन पूजा का विदाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में विशेष स्वागत कक्ष में लाभार्थियों का बहुमान किया गया। इसी कड़ी में अतिथियों सहित कई हस्तियों के पहुंचने पर दीक्षा महोत्सव समिति द्वारा अभिनंदन किया गया। रात्रि में भक्ति संध्या के कार्यक्रम में संगीत सम्राट नरेंद्र वाणी गोता द्वारा भक्ति की रमझंड जमाई गई। दीक्षा महोत्सव में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को वरघोड़े के बाद दोपहर में दीक्षा मंडप मणि प्रमोद वाटिका में स्टेज प्रोग्राम एवं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें
गुरु भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभा में खरतर गच्छार्य श्री जिन मनो के सुरेश्वर जी मनसा ने कहा कि जीवन में संयम से बढ़कर कुछ नहीं है। विरति धर्म की सब जगह जगह जयकार होती है। हम सब जीवों का कल्याण एवं उपकार करते हुए संयम जीवन की ओर बढ़े। दीक्षा महोत्सव समिति के सुरेश बोथरा ने बताया कि मंगलवार को दीक्षा मंडप मणि प्रमोद वाटिका के अंतिम वायणा माता पिता बहन द्वारा विदाई दी गयी। रात्रि भक्ति भावना का आयोजन हुआ। साथ ही दोपहर में लाभार्थी परिवार की ओर से नवकारसे का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालुओं गुरु भक्तों सहित कई संघों के पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। बुधवार को संयम जीवन अंगीकार करेंगी रवीना। जिन शासन रत्न नरेश एच लुणिया ने बताया कि दीक्षा महोत्सव के अंतिम दिन बुधवार को जिस घड़ी जिस क्षण जिस ऐतिहासिक भव्य पल का इंतजार चतुर्विध संघ कर रहा है वह योग विद्योत्सव से वीरति व्रतोत्सव की शुभ मंगलमय घड़ी 27 अप्रैल को सुबह 5:42 बजे आ रही है, जिसमें वातावरण वैराग्यमय बनेगा। करेमी भन्ते सामाय स्वमं सामजनजन जोग पच्छ ख्याममी और नंदी सूत्र वर्धमान विद्या मनोत्तर से मुमुक्ष रवीना बोथरा की भागवती दीक्षा समारोह संपन्न होगा। इसी दिन पूरे भारत भर में पधारे मेहमानों व सकल जैन समाज धोरी मन्ना का संघ स्वामी वास्तलय का आयोजन किया गया है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठगरा मेघवाल की रिपोर्ट।